सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICT के अगले टॉपिक के बारे में। दोस्तों हमने पहले वीडियो डाली थी, उसके अंदर बताया था कि हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम इससे वापस यानी कि उल्टा देखेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करेंगे और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर को वापस बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन पेपर में वो क्या कहेंगे कि जैसे डेसिमल नंबर दे देंगे वो 12 दे देंगे, 13 दे देंगे या 25 दे देंगे, इस तरह से दे देंगे और वो कहेंगे कि इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों मैंने स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर आपको समझाया हुआ है कि क्या क्या हमें करना है। देखिए सबसे पहले हम ये आप देख सकते हैं कि 13 जो दिया हुआ है, 13 डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देनी है दोस्तों ये होती है कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 2 होता है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है अपना 13 जो ये डेसिमल नंबर है ये, इसे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और इसको फिर इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं, हम एलसीएम वगैरह निकालते थे, थोड़ा उस टाइप में हम इसे लिखेंगे, ठीक। इस स्टेप में आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 13 हमने 13 यहाँ पे लिख लिया और 13 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बाइनरी है और बाइनरी का बेस होता है 2 होता है, ठीक है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि 2 से ये देखते हैं कि 13 है वो कहाँ तक जाता है, तो हमें पता है कि 2 × 12 होता है, ठीक है, ये 6 तक जाता है, तो 2 × 12 हमने किया और यहाँ पे एक हमारा शेष रह गया, कैरी एक रह गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें इस रो में हमें क्या लिखना है कि जहाँ तक वो काउंटिंग जा रही है, जहाँ तक टेबल जा रही है वो यहाँ पे हमें लिखना है 2 × 12, ठीक है, 6 लिख दिया और यहाँ पे अपना जो शेष रह रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि आगे पूरा प्रोसेस कैसे होता है। अब ये देखिए हमने सबसे पहले 2 × 12 किया और शेष कितना रह गया हमारे पास, 1, जो 1 रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया इस साइड में रेड कलर में, इस साइड में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब अगली बारी आती है इसकी, ये जो 6 रह गया तो ये कितने पे जाता है दोस्तों, 2 × 6, ठीक है, और 2 × 6 हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया दोस्तों हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते शेष हमारा 0 रह गया। अब बात आती है ये 3 किस पे जाता है दोस्तों, 2 × 2, 2 × 2 करने से शेष हमारे पास क्या रहता है, वो रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। अब बारी आती है 1 की। अब देखिए 1 जो है ये इससे ये तो 2 से छोटा है, ठीक है, तो लास्ट के अंदर ये ही डिजिट हमारी रह जाएगी अगर हम शेष मान के चले या कुछ भी मान के चले, यानी कि इससे ज़्यादा हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि ये जो 13 है ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, 1 पे आके रुक जाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए स्टेप नंबर 2 के अंदर अगला जो स्टेप नंबर है अपना,
इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो स्टेप था ये हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारी की सारी टेबल लिखी, यानी कि दो को 13 को पहले 6 पे गया, दो 6 के 12, एक शेष रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेड कलर में अपने पास जो डिजिट आई है, ठीक है, उसे हम नीचे से लेके ऊपर तक लिखेंगे, जैसे ये मैंने एरो दिखा रखी है ऐसे हम लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो 1101, यानी कि ये जो आंसर है ये आ जाएगा। पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, इस तरह से हम डिजिट लिखेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें। तो अब देखिए ये हमारी डिजिट होती है, ये हमारी डेसिमल नंबर होता है 13, ठीक है। 13 को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, तो इसके अंदर जैसे ये हमने लिख लिया, ये जैसे एलसीएम के टाइप में हम लिखते हैं, तो अब हम 13 को डिवाइड करेंगे कहाँ तक ये जाता है, तो 2 6 12, ठीक है, शेष रह गया हमारा ये, जो हमारा शेष रहता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जिससे डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अब इस स्टेप में देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, 2 6 12, शेष रह गया 1, 2 3 6 और शेष रह गया 0, 2 1 2, शेष रह गया 1, ये लास्ट यानी कि 1 तक ये जाएगा। और अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो अपना आया है, ये जो स्टेप आया है, ये स्टेप हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और नीचे नीचे से हम जो डिजिट है वो लिखते हुए जाएंगे 1101, इस तरह से हम ये इसे लिखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, उसके ज़रिए हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जैसे ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर के अंदर अपना जो बेस होता है वो 8 होता है, ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें हमने जो ये हमारा डेसिमल नंबर था इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है, और इसे फिर हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे जो हम एलसीएम वगैरह लेते हैं उस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब इसमें वही काम करना है जो हमने पहले किया है बाइनरी नंबर में किया था, वही करना है। अब हम ये देखेंगे कि 593 है ये 8 की टेबल में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, जब हम 8 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 592 आ रहा है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई किया, 74 को 592 आया और शेष हमारा रह गया दोस्तों 1, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमें करना है। यहाँ से आपको पहला स्टेप समझ में आया। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, अब देखिए 8 को हमने सबसे पहले 74 से किया तो 1 आ गया, अब क्या करेंगे, 74 हमारे पास रह गया, 74 को हम कहाँ तक कर सकते हैं, जब हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 नियमा 72 होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 72, और जब 74 में से 72 जाएंगे तो इसका जो शेष है वो 2 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 9 रह गया, 9 के लिए क्या करेंगे हम, 8 1 8 होता है, तो यहाँ से हमारा जो शेष है वो 1 रह जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 रह जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे बचा 1, तो 1 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, 8 से भाग नहीं दे सकते, तो हमारी ये जो है यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगी प्रोसेस। और फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमने जो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी है, ये सारी प्रोसेस हम यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे वही जो हमने पहले किया है, नीचे से लेके ऊपर तक की जो डिजिट है वो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा, 593 डेसिमल नंबर है, इसे जब हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1121, ठीक है। और दोस्तों हमने जो पहली जो वीडियो आई थी उसके अंदर बताया था कि 1121 को डेसिमल नंबर में, यानी कि इसके अंदर 593 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हमने पहले बताया, तो अगर कोई किसी को वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं।
और दोस्तों अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर, सॉरी हेक्साडेसिमल नंबर की, कि डेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी दोस्तों आसान है अगर हम करके देखें। तो ये देखिए इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है 2761 एक डेसिमल नंबर दिया है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में हमें पता है कि जैसे इसका बेस होता है 16 होता है, 16 होता है, तो हमें डिवाइड करना है 2761 को, वो 16 से डिवाइड करना है। तो इसमें वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद हम देखेंगे कि 2761 जो है, 2761 वो 16 की टेबल में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप डिवाइड करके देखोगे तो 16 को जब हम 172 से मल्टीप्लाई करते तो 2752 आता है, यहाँ पे इतना आता है, ठीक है। और जब हम 2752 में से, सॉरी, जब हम 2761 में से 2752 माइनस करेंगे तो इसका 9 शेष रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा ये है, इसके अंदर क्या है कि हम पूरी प्रोसेस करेंगे। जब 16 को हमने 172 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो शेष है वो 9 रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 172 16 की काउंटिंग में कहाँ तक जाता है, कहाँ तक ये डिवाइड होता है। तो हम जब हम 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आता है हमारा, ठीक है। और 160 आने पे हमारा जो शेष है वो रहेगा 12 शेष रह जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। और फिर हमारा जो ये डिजिट रहेगी 10 रहेगी, तो हमें पता है कि 10 है वो 16 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारी इसकी जो प्रोसेस है वो यहीं तक रह जाएगी 10 तक। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, यही हमने स्टेप यहाँ पर फिर लिखा। अब देखिए मैंने बताया था कि पहले भी हम नीचे से चलते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक चलते हैं, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले 10 लिखेंगे, ये 10 लिख दिया, फिर 12, 12 लिख दिया, फिर 9, 9 लिख दिया, ठीक है। और अब देखिए जो 9 डिजिट होते हैं वो 9 के इक्वल ही होती है इसके अंदर, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स वगैरह के अंदर जब हम बात करते हैं तो। और 12, 12 के अंदर मैंने बताया था कि हेक्साडेसिमल के अंदर 12 की जो वैल्यू है वो क्या होती है और 10 की वैल्यू क्या होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने पूरी लिखी हुई है। 10 का मतलब होता है ए, 11 का मतलब होता है बी, 12 का मतलब होता है सी, इस तरह से ये सभी आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो ये अपना जो 10 है इसका मतलब हो जाएगा ए, 12 मतलब है 12 का हो जाएगा सी, 9 का 9 रहेगा। तो हमारा 2761 डेसिमल है इसका हेक्साडेसिमल आएगा ए सी 9, ये आएगा अपना, यानी कि ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप हेक्साडेसिमल को भी बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इन्होंने डेसिमल नंबर 81 को दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर के अंदर, इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या करना होगा, सबसे पहले हम 81 लिख लेते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जब जैसे कि मैंने बताया कि एलसीएम के अंदर लिखते हैं उसी तरह से हम इसे लिखेंगे, ये हमने लिख लिया, ये लिखा हमने 81। और अब बताइए हम इसे डिवाइड किससे करेंगे, ऑक्टल है, ऑक्टल का बेस होता है 8, यानी कि 8 से हम इसे डिवाइड करेंगे। और अब हम देखते हैं कि ये कितने पे जाता है, कहाँ तक इसकी वैल्यू जाती है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले 8 एकम 8 गया, ठीक है, और फिर 10 यानी कि 10 पे गया। जब हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 80, और हमारा शेष कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यानी कि 8 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दए 80, और 81 में से 80 माइनस करेंगे तो 1 अपना शेष रह जाएगा। अब आगे बात आती है 10 की, तो 10 को भी हम डिवाइड करेंगे तो 10 कितने पे जा रहा है, 1 पे, 8 है कम 8, तो हमारा शेष कितना रह गया दोस्तों, 2, ठीक है। और अब अगला अपना स्टेप क्या होगा, हम नीचे से लेके ऊपर तक इसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1,
2, 1, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान है ये करना। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज तक डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं और किस तरह से आने की संभावना है। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।